हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जो माई भागो एएफपीआई का पेपर 7 जनवरी 2024 को हुआ था, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका मैथमेटिक्स पार्ट। तो इस पेपर में 125 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट 70 क्वेश्चंस इंग्लिश जीएस के थे और नेक्स्ट 71 से 125, जो 55 क्वेश्चंस थे वो मैथमेटिक्स पार्ट के थे। तो हम 71 से 125 तक जो मैथमेटिक्स पार्ट के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर एनी नेचुरल नंबर्स दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फैक्टराइजेशन होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली ए की पार्ट 2n माइनस बी की पार्ट 2n। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑलवेज डिविजिबल बाय ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये ए कितना है 25, बी कितना है 9, 25 माइनस 9 कितना होता है 16 एंड 25 प्लस 9 कितना होता है 34, सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 16 एंड 34। सेकेंड क्वेश्चन, अरुणा हैज ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स विद हर, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50 एंड द अमाउंट विद हर इज ₹75। नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स, सपोज x है उसके पास 1 रुपी कॉइन, y है 2 रुपी कॉइन्स और टोटल कॉइन्स है उसके पास 50। जो 1 रुपी कॉइन है उसकी कीमत तो x ही रहेगी और जो 2 रुपी कॉइन है उसकी कीमत हो गई 2y और टोटल उसके पास जो अमाउंट है वो कितनी है 75। माइनस कर देंगे तो y कितना आ रहा है 25, अगर y 25 है तो x भी 25। इसका मतलब हमारे पास 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं 25 ईच। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका डिस्क्रिमिनेंट रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन 4, इट इंप्लाइज मॉड ए ग्रेटर देन 2। तो आंसर क्या रहेगा, मॉड ए ग्रेटर देन 2। क्लियर। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन क्या है, 74th क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय, nth टर्म दिया है मुझे, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। एस 24 क्या फॉर्मूला रहेगा, 24 बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, यहां पर कटिंग करके 12, जो फर्स्ट है वो क्या आएगा a1, 3 प्लस 2 बाय 3, 3 3 इज़ 9, 9 प्लस 2 11, 11 बाय 3। और जो 24th टर्म है 3 प्लस 2 बाय 3 इंटू 24, 3 8 जा तो ये 16, 16 प्लस 3 19, तो ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं 12, ये है 11 बाय 3 और ये कितना है 19, तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 11 प्लस 57 अपॉन 3, 3 से ये कटिंग है 4 और ये कितना आ गया 68, तो 4 इंटू 68 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 272, तो ये क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स क्या है, 121 एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इफ द मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ अदर ट्राइंगल, देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया की रेशियो जो है वो क्या होती है, वो साइड स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होती है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसमें हमारे पास क्या है, साइड की रेशियो, पेरीमीटर की रेशियो, मीडियन की रेशियो, एल्टीट्यूड की रेशियो सेम होती है, और एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, मीन्स मीडियन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा रूट 11/8 इज इक्वल टू 12.1/x, ये कटिंग हो गई 1.1, तो x कितना आ रहा है 8.8, तो आंसर कितना रहेगा 8.8। 76 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan 55 अपॉन cot 35 प्लस दिस, अब यहां पर 55 और 35 ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कटिंग होकर क्या आ जाएगा 1, सिमिलरली cot 1 जो है वो cot 89 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, cot 89 क्या आने वाला है tan 1,
और टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, लेकिन यहाँ पर कॉट 90 पड़ा है, कॉट 90 पे वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो, तो फिर आंसर क्या रहेगा, वन, तो आंसर कितना रहने वाला है, वन। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सभी को आती होगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, तो यहाँ नाइन बाहर पड़ा है, तो आंसर क्या रहेगा, नाइन। नेक्स्ट 78th क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज दिस एरिया ऑफ द सर्कल, देन द सेक्टर एंगल इज इक्वल टू, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया, यही होता है सेक्टर का एरिया, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, तो हमें ये किसके इक्वल दिया है, 5 अपॉन 18 एरिया ऑफ सर्कल, 18 टू जा 20, तो थीटा कितना आ रहा है, 100, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है, तो ये 78 का आंसर कितना आ रहा है, 100 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पेपर अगर हम देखें तो पेपर जो है माई भागो AFPI का इतना टफ नहीं था, सिंपल पेपर था, जिन बच्चों ने थोड़ी भी मेहनत की है तो वो पेपर निकाल सकते हैं, ठीक है। 79 देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉड, मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू, मॉड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो क्या है, मॉड है। नेक्स्ट 80th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, गीता एंड गीतिका विजिट पर्टिकुलर ऑफिस इन द सेम वीक, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द ऑफिस ऑन एनी वन डे एज ऑन अनदर, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विजिट द ऑफिस ऑन टू कंजेक्टिव डेज, देखो दोनों के पास चांसेस क्या है, 5-5 है, अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5 × 5 25, डिनोमिनेटर तो जो टोटल आउटपुट्स है मींस की टोटल वेज में वो जा सकते हैं वो क्या है, 25, देखो गीता के पास भी 5 चॉइसेस है, गीतिका के पास भी 5 चॉइसेस है, तो 5 × 5 25, अब वो कैसे जा सकते हैं, यहां पर हम बना सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, अब यहां पर क्या है, ये गीता है तो ये गीतिका है, ठीक है, फोर वेज ये है, सिमिलरली फोर वेज की ये जो है ये गीतिका हो जाए और ये क्या हो जाए, गीता, तो फोर वेज ये है, तो टोटल जो फेवरेबल है वो क्या होंगे, 8, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो आंसर कितना आ गया, 8/25, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर आंसर क्या है, 8/25। तो नेक्स्ट 81st क्वेश्चन करते हैं, तो 81st क्वेश्चन क्या है, 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल 4, 7 and 14 मिनट्स, ऑल द 3 रैंग एट 6 AM व्हेन दे विल रिंग टुगेदर अगेन, तो हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम किसका, 4, 7, 14, तो क्या एलसीएम कितना आने वाला है, 28, तो 28 मिनट्स के बाद वो इकट्ठे क्या होंगी, रिंग होंगी, तो आंसर क्या रहेगा, 6:28 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स गेट रिवर्स्ड, अब ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करना है, हमने लीनियर इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं होती, डिजिट्स का सम होना चाहिए 9, यहां पर तो डिजिट्स का सम 9 है ही नहीं, ठीक है, यहां अब इसमें क्या ऐड करें, हम ऐड करें 27 तो डिजिट्स क्या हो जाए, रिवर्स, तो यहाँ 36 देखो, इसमें अगर मैं 27 ऐड करती हूँ तो डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिवर्स, तो ये वाला इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि 2-3 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी वाली, देखो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो यहाँ सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, c/a, तो ये जो है ये हमेशा दिमाग में रखोगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रूट से रिलेटेड बड़ी ईजिली सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा रूट्स है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज -b/a, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या है, c/a, मुझे बी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ होल स्क्वायर कर लेते, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b² / a², ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin α cos α, ठीक है, ये 1 है और साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू c/a है, 2 × c/a = b²/a², एक एक कैंसिल, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 यहां पर 1 प्लस
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 प्लस 2c अपॉन a, तो यहाँ a हम यहाँ लेंगे तो ये एक कैंसिल होगा, आंसर क्या आने वाला है ए स्क्वायर प्लस 2ac, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर प्लस 2ac, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 है तो इसमें हमने क्या ऐड कर देना है 2c अपॉन a, तो यहाँ a एलसीएम आएगा तो a प्लस 2c हो जाएगा और ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, एक एक कैंसिल, तो आंसर क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2ac, बी ऑप्शन मीन सेकेंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एपी का क्वेश्चन है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस क्या है सेम है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज 8 देन अदर इज 3, डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म, क्योंकि दोनों ही एपीज में कॉमन डिफरेंस सेम है तो अगर फर्स्ट टर्म फर्स्ट की 8 है और सेकेंड की 3 है, यहाँ डिफरेंस 5 है तो एंड तक वो 5 ही रहेगा, तो आंसर क्या रहना है 4th ऑप्शन। नेक्स्ट इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया क्या होने वाला है 0, तो 81st क्वेश्चन में अगर हम एरिया का फॉर्मूला देखें, एरिया क्या होता है यहाँ वर्टिसेस लिखेंगे हम, ए स्क्वायर 0 बी स्क्वायर 1 और जो स्टार्टिंग वाला है उसके फिर रेपिटेशन, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए कंसेप्ट, तो ये एरिया क्या होने वाला है 0, अब क्या है ना हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये तो 0 ही है, ये भी 0 माइनस बी स्क्वायर, ये भी 0 तो ये माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो यहाँ जो है 85th क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 86 क्वेश्चन, देखो क्या है, अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड द हाइट ऑफ द टावर, जब सेम टाइम हो और दो ट्राइंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे सिमिलर, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस टाइम पे वो क्या होगा सेम होगा, तो पहले जो स्टिक की बात कर रहा है उसमें जो लेंथ है वो 20 है और जो शेडो है वो 10 है, जो टावर की बात करें वहां शेडो 50 है और मुझे क्या निकालना है हाइट, ट्राइंगल्स क्या बनते हैं सिमिलर बनते हैं, तो 50 × 2 क्या हो जाएगा 100, तो जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 100 मीटर, कितनी आंसर आने वाला है 100 मीटर, तो 86 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट आंसर है। 87th क्वेश्चन, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन टैन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ए अपॉन बी है, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हमें पहले बेस देखना है, तो कॉस थीटा क्या आएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है, तो क्या निकालना क्या है टैन थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टैन थीटा क्या आएगा 4th ऑप्शन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या आने वाला है ए, तो बी जो यहां पर आंसर है टैन थीटा का ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4th ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 88th क्वेश्चन, टैन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस 1 प्लस टैन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो टैन थीटा हमारे पास क्या है साइन अपॉन कॉस और जो सीकेंट थीटा है वो क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, टैन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सीकेंट थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ये कैंसल हो गया, तो नीचे क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉमन है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये कॉस थीटा कैंसिल 1 प्लस 1 2, तो यहां पर आएगा हमारे पास 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा ही होता, 2 साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन कैंसिल, तो 2 अपॉन साइन क्या रहता है कोसेकेंट थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा इज कोसेकेंट थीटा, तो आंसर क्या आने वाला है कोसेकेंट थीटा
टू कोसिकेंट थीटा, ये टू भी बड़ा, तो थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है टू कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास पेरीमीटर दिया है ट्राइंगल का कितना, 30 पाई, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स इन सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा। देखो हमारे पास इन रेडियस का फॉर्मूला रहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है, तो यहां पर पेरीमीटर 30 पाई है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 15 पाई, सर्कमफ्रेंस सर्कल का 88 सेंटीमीटर है, एरिया मुझे निकालना है, ये एरिया तो निकालना है। अब 2 पाई आर कितना है 88, 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर इज 88, 22 टू जा 44, 2 जा 88, 7 इंटू 2 14, आर कितना है 14, तो एरिया क्या होगा 14 इंटू 15 इंटू 22 बाय 7, ये 230 इंटू 22, तो ये कितना हो गया 660, तो एरिया क्या रहेगा थर्ड ऑप्शन 660 क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, 90th क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इन टू द वायर ऑफ डायमीटर 2 mm, द लेंथ ऑफ द वायर, अब लेंथ निकालनी है वायर की, जब हम मेल्ट एंड रिकास्ट करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम क्या रहता है सेम, तो वॉल्यूम कितना है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना रहेगा, अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस रहेगा 3, ठीक है। अब ये क्या है मेल्टेड एंड ड्रॉन इन टू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 mm, ये 2 mm है, क्या होता है वायर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, एच मुझे निकालना है, आर कितना आएगा 1/10, 1/10, क्योंकि यहां पर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा 1 mm, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना है 9, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, कितना आ रहा है 3600 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 36 मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है कन्वर्जन्स का मीटर और सेंटीमीटर में, क्लियर है। ये हमारे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, अब 91 क्वेश्चन देखते हैं, ये किस पे है, मीडियन पे क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ये क्या है द मीडियन ऑफ द डाटा इज दिस रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 16 देन एक्सेस, अब कितनी टर्म्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स है, तो मीडियन जो है वो मिडल 2 टर्म्स का होता है 1, 2, 3 थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो मीडियन क्या होने वाला है x माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन 2, ये किसके इक्वल है 16, ठीक है, तो ये आ गया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 32, 2x इज इक्वल टू 34, तो x कितना है 17, तो यही पूछा था x कितना है 17। 92 क्वेश्चन, आरुषि सोल्ड 100 लॉटरी टिकट्स इन विच 5 टिकट प्राइस कैरी प्राइस, इफ प्रिया परचेज अ टिकट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिया विनिंग अ प्राइस, तो 5 टिकट्स पे प्राइस है तो 5/100 आंसर है, तो 5/100 मींस 1/20, 5/100 बिल्कुल क्लियर आंसर है 1/20, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 93 द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच रूट 18 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर, अब रूट 18 को जब मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा रूट 36 मीन 6, तो इरेशनल नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा रैशनल में। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 65, ठीक है, फादर एंड सन की जो एज है उनका सम कितना है 65, एंड ट्वाइस ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, Twice of the difference of their ages is 50, ये 25 आ गया, तो ये हम प्लस करेंगे 2f is equal to 90, तो फादर की एज कितनी आ रही है 45, तो फादर की एज कितनी आ रही है 45 years, तो यहां पर जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट आंसर है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 90, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा 95 क्वेश्चन क्या है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन विल बोथ हैव रियल रूट्स, रियल रूट्स होने चाहिए दोनों इक्वेशंस के, तो के की वैल्यू बतानी है क्या होगी, पहला हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल्स टू जीरो,
क्या है हमारे पास, रूट्स क्या होने चाहिए, रियल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 256। ठीक है, तो मॉड के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है, इधर लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। यहां डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 64 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के, ये 4 से कटिंग 16, के क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 16। यहां पर मॉड के क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16, यहां पर के क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 16। जो सेम वैल्यू आ रही है, कौन सी आ रही है वैल्यू, देखो जरा क्वेश्चन में, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के विल बोथ हैव रियल रूट्स, तो जो कॉमन है वो 16 है, तो यहां पर जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 16। ठीक है, अब 96 क्वेश्चन है, द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 449 एंड 449th टर्म इज 9, देन द टर्म विच इज इक्वल टू 0। सिंपल सा कंसेप्ट है एपी का, अगर pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो p प्लस qth टर्म 0 होगी, तो 449 प्लस 9 कितना बनता है, दोनों का सम 458, तो 458th टर्म क्या होने वाली है, 0। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5 देन पी इज, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 5 का है, तो पी हमें निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है 97th क्वेश्चन में। देखो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो पी क्या रहेगा, प्लस माइनस 4, पी कितना आने वाला है, प्लस माइनस 4 क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए, 97 क्वेश्चंस, क्लियर है, तो 97 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर हो गए हैं। अब 98 क्वेश्चन देखते हैं, 98th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 इज 4, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर है, 3, 4, 5 हमारे पास एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर नहीं तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमें निकालना है, और रेडियस दे रखा है 3 और लेंथ ऑफ टेंजेंट 4, तो ये निकालना है, तो 3, 4, 5, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है, 3, 4, 5, तो आंसर यहाँ पर आ गया 98 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल राइट एंगल एट सी इफ टैन इज इक्वल टू 1, टैन की वैल्यू 1 कहां होती है, 45 डिग्री पे। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ए एंगल 45 है, बी भी 45, चलो हमें बी चाहिए ही नहीं, हमें 2 साइन ए कॉस ए चाहिए, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 1, 99 का आंसर क्या है, 1। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 देन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, साइन की वैल्यू 45 पे 1/√2 होती है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 √2 होता है, तो यहाँ क्लियर है क्वेश्चन से कि थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो टैन 45 प्लस कॉट 45 कितना हो जाएगा, 1+1 2, क्लियर है, कितना होगा, 1+1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 101 क्या क्वेश्चन है, 101, टू पोल्स आर ए मीटर अपार्ट एंड हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट एन ऑब्जर्वर फाइंड्स द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप टू बी कॉम्प्लीमेंट्री देन द हाइट ऑफ द स्मॉलर इज। देखो एक ये पोल है, एक ये पोल है, यहां पर मिड में ये पूरा डिस्टेंस ए है, तो ये मिड में कितना हो जाएगा, a/2 a/2, स्मॉल पोल की हाइट h है, बड़े की 2h है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यहां मिड से तुम देख रहे हो और एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स ये थीटा है, तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब दोनों पे हम tan थीटा लगाते हैं, तो ये क्या है, h अपॉन a/2, tan 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो 2h अपॉन a/2, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, और tan into cot कितना होता है, 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू 2h अपॉन a इंटू 4h अपॉन a, तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 8h, निकालना क्या है यहां पर, h निकालना, तो h 8h स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर बाय 8, तो h की वैल्यू कितनी मिलेगी, h हमें मिलेगा
ए अपॉन 2√2, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इसलिए मैंने इन दोनों को प्रोडक्ट कर लिया, हमें थीटा चाहिए ही नहीं था, हमने क्या कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं इसलिए एक टैन थीटा है तो दूसरा क्या है कॉट थीटा, ठीक है। तो टैन इंटू कॉट कितना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 102 क्या है। अ सॉलिड इज हेमी स्फेरिकल एट द बॉटम एंड कोनिकल अबव, इफ द सर्फेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। अब यहाँ यह आंसर की ने ये आंसर दिया, ये गलत है, ये करेक्ट आंसर है। क्या है, एक हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, सर्फेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, सर्फेस एरिया है, दोनों का क्या है इक्वल, क्या होता है सर्फेस एरिया 4πr² स्फीयर का, तो इसका 2πr² और कोन का πrl, पाई भी कैंसल आर भी कैंसल, एल कितना आ गया 2r, तो हाइट क्या रहेगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 4r² हो गया माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा √3r। रेशो चाहिए रेडियस एंड हाइट, तो रेडियस एंड हाइट की रेशो, तो आंसर कितना आएगा 1:√3, तो थर्ड ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा सा जो आंसर की था उसमें थोड़ा एरर था, तो आप ये इसको ठीक कर सकते हो, तो आंसर कितना रहेगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ 35 इज रिमूव फ्रॉम द डेटा देन द मीडियन इज इंक्रीज बाय, देखो अगर हम कुछ भी रिमूव नहीं करते तो मीडियन कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म्स है, मीडियन ये है, मीडियन कितना आ गया 35.5 इन दोनों का मिड। अब जब मैं 35 यहां से रिमूव कर दूं टर्म्स कितनी रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मिडल टर्म कौन सी है 36, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थी, ये हटा दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिडल टर्म, ये 37 है मिडल टर्म, अब कितनी आएगी 37। ये थी दो मिडल टर्म्स, तो यहां पर 36.5 है, ठीक है। कितना आएगा देखो क्वेश्चन, इफ 35 इज रिमूव फ्रॉम द डाटा देन द मीडियन इंक्रीजेस बाय, टर्म्स थी 8 तो दो मिडल टर्म्स कौन सी हैं 36 एंड 37, तो मीडियन कितना आएगा 36.5। अब जब हम 35 रिमूव कर देंगे तो मिडल टर्म एक ही रहेगी 37, तो मीडियन कितना इंक्रीज हुआ 0.5, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन 37, हमारे पास मीडियन आया था और पहले था 36.5, 0.5 से क्या हो गया इंक्रीज कर गया, तो हमारे पास मीडियन कितना रहेगा 0.5 का इंक्रीज, ठीक है। अब 104 क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क नंबर्ड 1 to 90, वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम देयर बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23, अब 23 से कम कितने प्राइम है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही है 23 से लेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, टोटल नंबर 90 है, तो आंसर कितना रहेगा 4/45, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन इज, जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही एज अ प्राइम फैक्टर्स हों तो वो टर्मिनेटिंग होता है, उसके अलावा कोई आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये है हमारे पास 63/72 × 175, तो ये हमारे पास 9 से कटिंग है, 9 7s 9 8s, ठीक है, ये भी कटिंग है 7 2s 14 और 7 5s 35, तो ये 25 है और 8 डिनोमिनेटर में क्या है, कैसी है प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 और 5 की, इसलिए ये क्या है टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट 106 क्वेश्चन, 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कॉस्ट रुपीज 10,500 व्हाइल 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट रुपीज 10, द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल है, सभी स्टूडेंट्स को आता होगा, जस्ट इक्वेशंस बनाकर सॉल्व ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो ये तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, 8 चेयर्स प्लस 5 टेबल्स कॉस्ट कितनी है 10,500। नेक्स्ट है हमारे पास 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, इनकी कॉस्ट कितनी है 6,450, तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लो, तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ चेयर आएगी कितनी आएगी 1 ऑप्शन ₹750, ठीक है, तो सिंपल है, लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सम क्या है यहाँ पर kx² + 6x + 4k इज इक्वल टू 0, सम है हमारे पास -6/4, प्रोडक्ट क्या है 4k/k,
फोर के अपॉन के, यहां पर सम ऑफ रूट्स क्या है, सिक्स अपॉन माइनस सिक्स अपॉन के, ये के है ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, तो सिक्स अपॉन के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, फोर के अपॉन के, तो ये के कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस सिक्स अपॉन फोर मीन्स माइनस थ्री अपॉन टू, तो करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, अब ये सीरीज कैसी है, रूट टू प्लस टू रूट टू प्लस थ्री रूट टू प्लस सो ऑन, तो यहाँ रूट टू कॉमन ले लो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू, तो यही तो आंसर आ जाएगा। अब ये रूट टू के साथ कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर क्या आ गया, एन एन प्लस वन अपॉन रूट टू। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशियो। तो सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, ए कितना है 1 3, बी कितना है यहां पर 4 6, तो सी जो है इसको किस रेशियो में कट कर रहा है, 2:1, तो सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने क्या आने वाले हैं, देखो इधर मल्टीप्लाई होगा 8, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 8 प्लस 1 अपॉन 3, 6 टू जा 12 प्लस 3 अपॉन 3, तो 9 बाय 3 3, 15 बाय 3 5, तो आंसर क्या रहेगा 3, 5, तो ये 109 का आंसर था, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, बी सी इज इक्वल टू 12, ए बी इज इक्वल टू 5, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, तो हमें चाहिए रेडियस ऑफ द सर्कल। अब कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल एट बी, ए बी एंड बी सी दिया है, बी सी 12 है, ए बी 5 है, तो एरिया कितना आ जाएगा इस ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आंसर होगा 30, एरिया ये है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर, अब पैरीमीटर की बात करें तो ये 12 5, तो ये वाली साइड कितनी आएगी 13, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप देख सकते हो, तो रेडियस निकालना है, तो यहां पर 30 और सेमी पैरीमीटर 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 13 30, 30 बाय 2 मीन्स 15 आ गया सेमी पैरीमीटर, तो इन रेडियस कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, तो इन रेडियस के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, तो इन रेडियस का फॉर्मूला जो है उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 111th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ फोर फॉल्स ऑफ अ रूम इज दिस एंड द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ, हाइट बीइंग 11 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सीलिंग, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स 2 times L plus B into H कितना है 330, हाइट हमें दी है 11 एंड लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, तो 2B plus B 3B हो गया, ये 2 330, ठीक है, 11 into 3 33 10, तो ये 5, अब विड्थ कितनी है 5, तो लेंथ क्या है ट्वाइस, तो 10, हाइट भी हमें पता, हमें निकालना एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग होता है LB, तो आंसर कितना आ गया 50, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 112, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज, अब यहां पर हम देखें तो ये secant square theta minus tan square theta हो जाएगा, क्योंकि cot square 36 क्या है, tan square 54, तो ये 1 आ गया, सेम नीचे secant square 57, तो ये cot square 57, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे tan थीटा जो है, tan 90 माइनस थीटा क्या है, cot थीटा, तो इसलिए हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे tan थीटा cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 57 एंड 33 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, tan square 33 क्या होने वाला है, cot square 57, तो ये 1 है, तो यहां पर ये देखें, अब ये कितना है, sin square 38 secant square 52, secant square 52 क्या है, cosecant square 38 डिग्री, तो ये फिर तुम्हारा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 plus 2, और साइन 45 पे वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर कर रहे हो तो 1/2, तो क्या है 1 plus 2 3 3 minus half, कितना आने वाला है 5/2, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 113,
क्या है 113th क्वेश्चन. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री. द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर. सो सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 150 मीटर हाई टावर है जहां से तुम देख रहे हो और एंगल बनता है 30 डिग्री. वैसे यहां बनेगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल यहां पर आ जाता है. मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस. तो टैन 30 कितना आएगा, 150 अपॉन एक्स, और ये कितना है 1/√3. 150 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150√3. तो ये ऑप्शन जो है सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट 114th क्वेश्चन क्या है. अ मेटालिक सॉलिड कोन इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस. इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द कोन. एक मेटालिक सॉलिड कोन है, उसको मेल्ट कर सॉलिड सिलेंडर में कन्वर्ट किया है जिनका रेडियस क्या है, इक्वल है. इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस, देन द हाइट ऑफ द कोन. कोन की हाइट बतानी है हमारे पास. जो है मेल्ट किया, मेल्ट एंड रिकास्ट में वॉल्यूम क्या रहता है, सेम. रेडियस क्या है, सेम, 1/3 πr² एच. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोन का वॉल्यूम. अब सिलेंडर का वॉल्यूम πr² H, ये तो कैंसिल हो जाएगा. ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर किसकी दी हुई है, सिलेंडर की. तो इसकी जगह 6 पुट करेंगे तो 3 × 6 कितना आ जाएगा, 18. तो हाइट ऑफ कोन कितना आने वाला है, 18 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज दिस, देन एन इज इक्वल टू. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मींस एवरेज. जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की क्या होती है, n+1/2. ठीक है, ये किसके इक्वल दिया है, 5n/9. 9n+9 = 10n. तो n कितना आ गया, 9. तो यहां पर n कितना है, 9. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 3 children द प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 1. जब भी एटलीस्ट 1 का क्वेश्चन हो ना, तो हम उसको क्या करते हैं, हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी जो नन की है वो निकालेंगे. क्योंकि एटलीस्ट में ना अलग अलग केसेस निकालने पड़ते हैं, जैसे कि एटलीस्ट वन बॉय भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा. तो हम नन की निकाल देंगे तो हमारे पास एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. नन मीन्स कि एक भी लड़का नहीं है, मीन्स सारी की सारी लड़कियां हैं. तो सारी लड़कियां एक ही केस होता है, टोटल केसेस होंगे 8. तो आंसर क्या रहेगा, 7/8. ठीक है, ये सेम है जब हम 3 क्वाइंस को टॉस करेंगे हेड एंड टेल के लिए और हम कहें कि तीनों के तीनों हेड आ जाए. तो एक ही केस होगा 8 में से जहां पर तीनों हेड आ रहे हैं, तो वो 1/8 मीन्स नन. GGG. तो 1 - 1/8 क्या आने वाला है, 7/8. तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, 7/8. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अगर 1 0 2 है तो दूसरी वैल्यू निकालनी है किसकी, के की. तो जस्ट यहाँ 2 पुट कर दो. यहाँ पर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 3x + k. इसमें जब 2 पुट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 0. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -10. तो सेकेंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर. सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये 117 क्वेश्चंस हमारे हो गए. अब नेक्स्ट 118th क्वेश्चन पे चलेंगे. 118th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ -1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ के. सेम वही के, एक्स की जगह क्या पुट कर देना, -1/2. ये क्या हो रहा है, 0. 1 - 5 कितना है, -4/4 means 1. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2. तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर. फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, देन y इज इक्वल टू. अगर ये ABC तीनों AP में है तो 2B किसके इक्वल होता है, A+C. तो मिडल टर्म ये वाली है. तो क्या आएगा, 6y + 10 इज इक्वल टू 3y - 1 + 5y + 1. 1 से 1 कैंसिल, ये 8y, 2y, 10 इज इक्वल टू 2y. तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5. तो यहां पर थर्ड ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट आंसर है. y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5. नेक्स्ट 120 क्वेश्चंस. तो 120th क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है. 120th क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज दिस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर इज दिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर. देखो ये सेंटर है,
सेंटर है और ये कितना है, 2, 3, ठीक है। डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स हैं, ये एंड पॉइंट हमें निकालना है। सेंटर क्या दिया हुआ है, -2, 5, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ निकाल सकते हैं, 2 + x / 2 कितना हो जाएगा, -2, तो यहां पर आएगा 2 + x = -4, तो x की वैल्यू आ रही है -6। तो यहां पर y की वैल्यू देखते हैं, y + 3/2 कितना है 5, y + 3 कितना है 10, तो y कितना है 7, तो x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 7, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से जल्दी हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ क्या करना है, अगर किसी ने डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, रेडियस ऑप्शन में से निकाल कर देखने पड़ेंगे और फिर जो मैच करेगा वही आंसर होगा। तो अगला देखते हैं 121 क्वेश्चन, इफ साइन थीटा -cos θ = 0, तो क्लियर है थीटा कितना है 45 डिग्री, अगर थीटा 45 डिग्री है, साइन 6θ प्लस कॉस की पावर 6θ, तो यहां पर 1/√2 की पावर 6 हो गया, 1/√2 की पावर 6 क्या आएगा, 1/√2 की पावर 6 कितना होता है, √2 की पावर 3 हो गया 8, ये भी 8, तो 2/8 कटिंग करेंगे तो 1/4, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन, इफ cos a प्लस cos square a = 1, देन sin square a प्लस sin की पावर 4a, देखो cos a किसके इक्वल हो गया 1 - cos square a, तो cos a है किसके इक्वल, sin square a, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है sin square a प्लस sin की पावर 4a, तो यहां पर cos a, तो ये क्या है cos square a, तो कितना आएगा 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन 1 इसका आंसर है। 123rd क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 m/min फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल पाइप 5 mm इन डायमीटर, ठीक है, वाटर जो है वो 10 m/min से निकलता है पाइप में से, जिसका डायमीटर 5 mm है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अप अ कोनिकल वेसल हुज डायमीटर इज दिस एंड डेप्थ इज दिस, अब हमें टाइम बताना है कितने टाइम में वो फिल होता है, तो हम सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr² h, पाई को एज सच रखते हैं, रेडियस कितना है, डायमीटर 40 cm है, तो ये रेडियस हो गया 20, हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है 24, 8, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 32, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन जिसको हमें फिल करना है। अब 1 मिनट में देखते हैं वाटर फ्लो कितना है, ठीक है, 5 mm डायमीटर है, सिलेंड्रिकल होती है पाइप, पाई आर स्क्वायर, अब यहां पर 20 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सेंटीमीटर में है, तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 m, अब ये मीटर को फिर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो × 100, ये है, ये क्या है, 1 मिनट में जो वाटर जो है फ्लो हो रहा है, 5 × 4 = 5 × 4 = कितना फ्लो हो रहा है, तो यहां पर हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कितना फ्लो हुआ, 1000 π/16, ये किसमें है, 1 मिनट में है, मुझे भरना इतना है, तो डिवाइड कर लेते हैं 1000 π, तो इंटू 16 ऊपर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, ये दो जीरोस कैंसिल, तो कितना आएगा, 2 से कटिंग है 16 और ये 5, 16 का स्क्वायर 256/5, तो 51 1/5, ठीक है, तो 1/5 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना है 12, तो 51 min 12 s, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इसमें क्या है करेक्ट आंसर है, 51 min 12 s, ठीक है। तो हम नेक्स्ट 124th क्वेश्चन देखते हैं, 124th क्वेश्चन क्या है, 1 ticket is drawn फ्रॉम अ बैग containing 70 tickets numbered 1 to 70. The probability that the drawn tickets bear a number multiple of 5 or 7. तो 1 से लेके 70 में 5 के multiples कितने आएंगे? 12. 12 या 14? 14. 1 to 70 में क्या चाहिए तुम्हें? Multiples of 5, ठीक है, multiples of 5, 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14, तो multiples of 7 कितने आएंगे, multiples of 7,
10 आ जाएंगे, ठीक है। अब 7 और 5 का एलसीएम है 35, तो मल्टीपल्स ऑफ 35 कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो हमारे पास कैसा चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 और 7, तो 14 + 10 - 2, 14 + 10 - 2 तो कितने नंबर्स हैं, 22 नंबर्स हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 5 और 7 है। टोटल नंबर्स कितने हैं, 70, तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो आंसर रहेगा 11/35। तो आंसर कितना रहेगा, 11/35 क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है 11/35, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन वेट ऑफ 9 स्टूडेंट इज 25 kg, वन मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, द मीन वेट ऑफ द ग्रुप चेंजेस टू 27 kg, द वेट ऑफ 10th स्टूडेंट। देखो अब 10th स्टूडेंट का इसको हम ओरली कर सकते हैं, क्योंकि अगर 10th स्टूडेंट भी 25 kg का होगा तो वेट मेंटेन रहेगा 25, एवरेज का मतलब रहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो ग्रुप का वेट चेंज हो रहा है 27, मीन्स पर हेड 2 kg, 10 स्टूडेंट्स हैं 20 kg और होगा, तो 25 + 20 क्या रहेगा आंसर, 45 kg। तो इन स्टूडेंट्स ये 125 क्वेश्चंस थे, ओवरऑल जो पेपर है वो इजी था, तो जो स्टूडेंट्स ने प्रेपरेशन की होगी तो उनका पक्का पेपर क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। तो क्या है, मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो हर एक कॉम्पिटिशन में काम आता है, और मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस करो मैथ्स में और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। थैंक यू।